कुर्ने की जनता ने जहां भारतीय जनता पार्टी का पूरे दिल से साथ दिया, वहीं बिहार सरकार के प्रशासन के साथ मिलकर लोगों ने और खास करके जदयू के उम्मीदवार मनोज कुमार जी ने बूथ संख्या 120, 21, 22 और 23 को अंतिम दो घंटे में पूरे तौर पर कब्जे में लेकर बूथ कैप्चरिंग की है। जिला प्रशासन के हमारे बार बार बोलने के बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसी प्रकार बूथ संख्या 67, 68, 110, 111, 112, 113, 114, 231 और 232, इन सभी बूथों पर जदयू के अपराधियों ने बूथ पर खुलेआम कैप्चरिंग किया। हर जगह पर लगातार तीन घंटे तक बोगस वोटिंग होती रही और हमारे बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी बिहार का प्रशासन और मुजफ्फरपुर का जिला प्रशासन अपने घर में बैठने का काम किया है। मेरा चुनाव आयोग से अनुरोध होगा कि इन सभी बूथों को कैंसिल करके पुनः मतदान कराया जाए, जिससे कि जनता अपने हिसाब से वोट दे सके। नीतीश जी चुनाव हार चुके हैं और इसीलिए उन्होंने 2005 से पहले जो बिहार में होता था उसी तरह का सहारा लिया और बरसों बाद हमने देखा कि बूथ पर अपराधियों के द्वारा कैप्चरिंग करके बोगस वोटिंग डाली गई है।